बैटिंग की बात कर रहे हैं आप, फील्डिंग की भी तो देखें, निकोलस पूरन ने आज जो सेव करी है, मतलब आप मजाक कर रहे हैं, आप 4G 5G कह रहे हैं, ये तो मतलब एंटी जी था, एंटी ग्रेविटी टाइप की जो इन्होंने सेव करी है। हवा में ऐसे थे, बाहर बाउंड्री के, पूरी बॉडी बाहर थी बाउंड्री की, और एक हाथ से वो कैच पकड़ी है और फिर उड़ते उड़ते ही बॉल पीछे फेंक दिए। नहीं मतलब आज तक मैं आपसे दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ, टेक्निकल सवाल, ठीक है, टेक्निकल सवाल है, सोच के जवाब दीजिएगा कि आज तक कभी भी किसी ने सुपरमैन और निकोलस पूरन को एक कमरे में देखा है? आज मैंने ग्राउंड पे तो देखा ही है आज उनको, मतलब तो यही है ना अनबीटेबल। मतलब, यही है ना हाँ मतलब, यही है सुपरमैन। मैंने तो आज तक एक साथ नहीं देखा, तो यही मतलब है। ये बाजी, ये सुपरमैन है ही। मैं बताऊं, इसका जो कहानी है ना जीवन का, एक मतलब बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। अगर हम लोग याद करें, इनका ना एक मेजर रोड एक्सीडेंट हुआ था, जहां पे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, और दोनों टांगों में उनको बहुत चोट लगी थी। आज अगर आप उनकी फील्डिंग देखेंगे, ऐसा तो मैंने अभी लाइफ में कभी देखा नहीं है कोई आउटफील्डर को इस तरह सेव करते हो। तो इससे पता ये लगता है कि कितना इनका स्ट्रांग कैरेक्टर है, उस इंजरी से आके अपने लोअर बॉडी पे इतना वर्क करना, अपने बैटिंग पे वर्क करना, जहां पूरा विश्व के जो लोग क्रिकेट से एसोसिएटेड है, सब कोई ऑब्वियसली कोई इनकरेज तो नहीं करता है ना, जब कोई बंदा इंजरी से गुजरता है, सब अलोन हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है। तो वहां से कमबैक करना, ऊपर से आके आईपीएल में आके मजेदार परफॉर्मेंस देना और अपने देश के लिए मजेदार परफॉर्मेंस देना, एक व्हाट अ स्टोरी आई कैन से। आज तो मतलब जो दिखा, आज तो ऐसा लग रहा था कि जॉन्टी रोड ने 8-10 जॉन्टी भेज दिए थे फील्ड में, क्योंकि सब तरफ मयंक अग्रवाल से भी एक बढ़िया फील्डिंग एफर्ट देखा, तो अच्छी फील्डिंग एफर्ट दिख रही थी, तो लग रहा था कि जैसे छोटे छोटे जॉन्टी भाग रहे हैं फील्ड में। अच्छा देखिए, वैसे तो कैचिंग और ये फील्डिंग बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैच उन्होंने मिस किया एक प्लेयर ने, रवि बिश्नोई ने। मेरा यहाँ फील्डिंग के लिए एक दो पॉइंट मैंने नोट करके रखी थी, जब शुरू होगी तो मैं सोचा था बोलूंगा। देखिए, मैं जब कप्तानी करता था ना गौरव भैया, तो ये छोटे ग्राउंड्स में स्पेशली मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरे जितने भी लंबे फील्डर्स हैं वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे खड़े रहें, क्योंकि हमने फर्स्ट इनिंग्स में भी देखा, रियान पराग, अजय पाजी अगर एग्री करेंगे, रियान पराग भी एक कैच हमारा मयंक का देखा, जब 100 नहीं बना था उनका, वो भी वो ट्राई किए बाउंड्री से फ्लिप, मतलब ऊपर फेंक के अंदर लेने बिल्कुल के लिए। अगर क्लोजअप देखे ना उनका, तो वो इतना अंदर था, तो अगर करीब रहता और लंबा प्लेयर रहता ना, तो उसको वो टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे अगर कैप्टन लोग अगर इस पे भी ध्यान लगाएं, अगर लंबे प्लेयर्स, बट एट द सेम टाइम उनको अच्छा भी होना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ लंबा होके कोई फायदा नहीं है। बट आपके पास जब अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे रवि बिश्नोई को हमने देखा, किंग्स इलेवन ने मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ पे रखा था, तो आप अच्छे फील्डर्स रखो जो एक्सपीरियंस है, जो अंडर प्रेशर में कैच आए ना तो वो पकड़ ले, तो उनकी कोई गलती नहीं है। ये कैप्टेंस अगर एक स्टेप आगे रहे, तो मैं हमेशा यही मानता हूँ कि फील्डिंग जो होती है ना, सही फील्डर सही जगह पे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वही कहावत है, कैचेस विन मैचेस, इफ यू डोंट कैच देन ऑब्वियसली द मैच हैज टू गो अवे। आपने बहुत अच्छी बात बोली है, कप्तान कौन सा फील्डर कहाँ रखे, क्योंकि दो सबसे बढ़िया कैच हमने बाउंड्री पे कहाँ देखी है? फाफ डुप्लेसी, फाफ डुप्लेसी ने जो दुबई में लपक के कैच पकड़ी, कौन से कप्तान ने उनको वहां पे रखा था? मूविंग ऑन।